प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है। सेब सीजन से पहले सेब बागवानों की लंबी समय से चली आ रही मांगों को लेकर आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सेब उत्पादक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश भर के बागवान शामिल हुए। सेब उत्पादन संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने कहा है कि सम्मेलन में बागवानों की 17 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू करने, मंडी मध्यस्थता योग यानी कि MIS को जारी रखने, एक ग्रेड सेब का मूल्य 80 रुपए, बी ग्रेड का 60 रुपए और सी ग्रेड का रेट 30 रुपए किलो दाम तय करने की मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी। इसके अलावा MIS के लिए गए सेब का बकाया भुगतान करने, APMC एक्ट 2005, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955 को लागू करने की मांग प्रमुख है। मैं सेब उत्पादक संघ का प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया फेडरेशन भी बनी है उसका ऑल इंडिया कन्वीनर हूँ, सोहन सिंह ठाकुर। और क्या बोलते हैं, आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूँ कि आप लोग आए और इस सेब के संगी जो बिल्कुल एक हिमाचल प्रदेश की पहचान है और जो 6,000 करोड़ की जो क्या नाम आपकी आर्थिकी किसानों की है, उसको लेकर के जो सेब में एक चीज़ मतलब जो सामने आ रही है कि सेब की खेती घाटे की खेती हो रही है और इसके ऊपर में संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है। इस बात को जो लंबे समय से जो इसकी आर्थिक में जो आर्थिक नीतियों को बदला गया है, जिसके तहत में बुनियादी खेती को जो संकट आया है, इस बात से समझ सकते हैं आप कि जो खुला बाजार खुला व्यापार नीति के तहत में जो क्या नाम कारोबार हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जो किसान जब उत्पादन करता है उसमें एक रेट का सेब चाहे वो किसी कंपनी में बेच रहा है, चाहे अदानी में किसी और कंपनी में बेच रहा है, 50, 52, 40, 45 पे एक रेट के सेब का पैसा मिलता है। सिर्फ एक इत्तफाक है कि जब शुरू में सेब बिकता है तो 100 रुपये ही है, वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, वो बड़े कम समय के अंदर में इस तरह का परिस्थिति होती है। और बी ग्रेड का सेब जो है ना आपका 25 से 30, 35 रुपये के रेट में बिकता है और सी ग्रेड का सेब जो है ना 10 रुपये से लेकर 20 रुपये में बिकता है। परंतु मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, खुला बाजार और खुला व्यापार की जो क्या नाम नीति है उसके तहत में आप देखते हैं एक रेट का सेब जब लास्ट कंज्यूमर के पास मिलता है तो उसमें वो 250 से 300, 350 रुपये मिलता है। दूसरे ग्रेड का सेब जो है आपका 150 से 200 रुपये तक मिलता है और 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक में तीसरे ग्रेड का सेब जो है ना कंज्यूमर को मिलता है। तो ये आप समझते हैं कि जो किसान जो उत्पादन करता है वो तौलिए करने से लेकर कटिंग प्रूनिंग से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर जो उसके अंदर में करता है उसके महज हिस्से में एक ग्रेड के सेब का 50 से 52 रुपया आता है और उसके अंदर पूरी लागत लगती है। जैसे ही वो सेब क्या नाम आपका किसान के हाथ से जो है व्यापारी किस्म जाता है वो लास्ट कंज्यूमर तक 6 गुना 7 गुना जो है ना रेट ऊपर बढ़ता है। ये है खुला बाजार खुला व्यापार। और इसी के साथ साथ में इसके साथ में जो इस्तेमाल होने वाली जो कीटनाशक है जो क्या नाम आपका फर्टिलाइज़र है वो पिछले 10 सालों में क्या नाम आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट जो है ना 100 रुपये 120 रुपये में मिलती थी वो भी 50 किलो की बोरी, आज जो है ना 25 किलो नाइट्रा बोर जो है ना आपके आरा का है वो 3,000 में आज की डेट में मिल रहा है। कोई भी खाद जो है ना नाइट्रोजन इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो 2,000। तो इसलिए जो अभी किसान भी इसको समझ नहीं पा रहा है टोटलिटी में, वो लाखों में जब उसको सेल आती है तो अब जो है ना इसके जो सारे का सारा जो व्यापार है वो घाटे की ओर जा रहा है। और इसके में जो अभी फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी होती थी वो ख़त्म कर दी गई है और जो आपका केमिकल जो इसके अंदर में इस्तेमाल होता है फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होता है उसके अंदर भी सब्सिडी जो है ना वो इसके रेट भी बहुत ज़्यादा है, लागत लगातार बढ़ी है और इस लागत बढ़ने से जो ये संकट आया है। इसलिए हमने फसल पर आधारित है ना 16 क्या नाम आपको पिछले वर्ष 16 मार्च को जो है ना सेब उत्पादक संघ बनाया। ये समस्या जो है ना सिर्फ एक ब्लॉक की नहीं है, पूरे प्रदेश की नहीं है, ये जो सेब उत्पादक पूरे देश के अंदर है ये समझ करते हुए कश्मीर के अंदर 22-23 जून को पिछली बार जो है ना पिछले साल हमने एप्पल फेडरेशन बनाया है और उसके चलते हुए हमने जो है ना अलग अलग स्तर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी मांगे उठाई हैं और क्या नाम आपका जो 4 अप्रैल को इसी
वर्ष जो है ना दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर पे धरना दे करके जो है ना एक दिन का सांकेतिक धरना दिया था, जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी होती है। और आज जो है ना सेब जो खुला बाजार खुला व्यापार के तहत में जो है कह रहा था, आज जो यहाँ पे सेब होने के बावजूद 41 देशों से बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है सेब, जिसमें जो है ना अंडर बिडिंग के आधार पर किया जाता है। हम ये मांग करते हैं कि जो आपका जो क्या नाम APMC एक्ट है, एक्ट बने हुए उसको अक्षर लागू किया जाए, उसको लागू नहीं किया जाता है। और क्या नाम मेट्रोलॉजिकल जो एक्ट है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और आपका जो क्या नाम जो आपका माल भाड़ा किराया है जो कि इसके तहत में है, ये जो हमने आपको मांगे इसके अंदर में, जो हम पत्रकार बंधुओं को कहना चाहते हैं, जो हमने 17 मांगे कि ये है जो नीचे जाकर जनता ने अपनी दुख तकलीफ जो है ना इसके अंदर में बताई है और इसके अंदर है। और एक हम और आपको बात बताना चाहते हैं, जो आप देखो ये शिफ्ट किया हुआ है पिछली नीतियों के चलते हुए, कि जो सब्सिडी जो मिलती थी किसानों को खाद के रूप में दवाइयों के रूप में, उसको शिफ्ट करके जो ये आपका प्रोक्योरमेंट के लिए सीए स्टोर जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाए हैं, वो जो है ना राशि जो है ना उस तरफ को शिफ्ट कर दी गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे वो अदानी है चाहे वो देवभूमि है, उनको करोड़ों रुपए का सब्सिडी मिल रही है, और जो आम किसान है उसको उस सब्सिडी से वंचित किया जा रहा है, जिससे कि जो लागत है वो किसान की बड़ी है। और उसके चलते हुए जो हम कह रहे हैं कि APMC एक्ट पहली मांग है हमारी, उसको अक्षर लागू किया जाए। जो आपका बिकता है सेब उसकी पेमेंट जो है ना डिले होती है, साल साल तक जो है ना पेमेंट नहीं मिली है, बहुत सारी पेमेंट पेंडिंग है, ये भी है। और इसके साथ में एक सवाल बहुत बड़ा है कि हम कहते हैं कि भी हमारा मानना है आप एक स्टडी कर लो, आपको भी हम ये कहते हैं कि भी आप भी सरकार से भी जो है ये सवाल जो है ना बनता है कि जो क्या नाम आपका APMC एक्ट के तहत में जो यहाँ पर मार्केटिंग आधा सेब होता है, इसका मतलब है 300 करोड़ की जो है ना सेब का व्यापार यहाँ पे होता है, उसके तहत में जो आपका मार्केटिंग होने के बाद में आरती जो है ना 6% किससे लेगा, वो जो परचेजर है उससे लेगा, और 1% जो है ना उनको जमा करना है कहाँ पे, वो APMC में। इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, और अंडर बिडिंग में जो है ना वो सेब होता है, जो बड़े बड़े आड़ती जो दिन में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार पेटियाँ बेचते हैं, वो अपनी APMC के अंदर में अंडर रेट जो है ना वो क्या नाम आपका करते हैं, जो 1500 रुपये सेब बिकता है उसको 500 रुपये सेब की जो है मार्केटिंग कमेटी के लिए जो है ना उसका वो सेल का वो जो क्या नाम अपना बायोडाटा जो है ना देते हैं। जो आप बहुत बार में मीडिया के लोग करते हैं कि 4000 रुपये जो है ना की पेटी भी की, किसी भी एक भी इसके अंदर में APMC में कोई ऐसी रिटर्न भरी हो कि 1% 4000 के तहत में वापस किया हो, तो मेरा कहना है अगर आप ये कहेंगे तो 300 करोड़ रुपया जो है ना APMC के बाद साल के अंदर आना चाहिए। अगर ये 300 करोड़ रुपया सरकार के अंदर आता है तो जो है ना छोटे छोटे सीए स्टोर ब्लॉक स्तर पर जो ये बुनियादी सुविधाएँ जो हम मांग रहे हैं सरकार के पास में जा सकता है। ये पूरा जो सरकार का तंत्र है इस बात से जो है ना आपका क्या नाम भली भांति परिचित है, और ये सरकार जो है ना का तंत्र जो है ना इसके अंदर में बिल्कुल पूरी तरह से मिली भगत करके जो है ना इसके अंदर में रहता है। ये हमारी जो है ना बाकी जो 17 डिमांड जो है ना हम आपको दे देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।